हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रुपेश और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता हुआ कि 1 जनवरी 2021 से जियो से किसी दूसरे नंबर बात करने के लिए जो ऐसे चार्ज हमें देना पड़ता था उस चार्ज को हटा दिया गया है, यानी कि 6 पैसे प्रति मिनट की दर से हमें बात करना पड़ता था किसी अदर नंबर पर, उस चार्ज को हटा दिया, उसको अनलिमिटेड कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इसको लेकर बहुत सारे लोग कमेंट आ रहा है, वो लोग कमेंट करें क्या जियो के प्लान में भी कोई चेंजेस किया गया है या नहीं किया गया, इसको बताइए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को उन्हें लोग कमेंट बना रहा हूँ ताकि आप सभी को मैं लाइव दिखा सकूँ कि जियो के प्लान में भी चेंजिंग किया गया है या नहीं किया गया। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी जियो का सिम चलाते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और फ्रेंड्स, इसके साथ में आप सबको ये भी बताऊँगा जो पर डे का लिमिट डाटा है उसको यदि आप खत्म कर जाते हैं तो इसके बाद आपको कितने रुपये का रिचार्ज करना पड़ेगा एडिशनल डाटा के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक प्यार बड़ी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस तरह से हेल्पफुल वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे हुआ उसको दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मैं डिटेल में समझाने के लिए मैं अपने मोबाइल से माई जियो ऐप को ओपन कर लिया हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको तो यहाँ पे लेफ्ट साइड कॉर्नर पे 3 लाइन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इसको तो यहाँ पे रिचार्ज पे क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पे रिचार्ज योर नंबर पे क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि आप पर डे 1.5 GB डाटा के लिए पैक देखना चाहते हैं या 1 GB के लिए देखना चाहते हैं या 3 GB पर डे डाटा पैक के लिए देखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको तीनों के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि यदि हमें 1.5 GB पर डे डाटा चाहिए इसके लिए हमें कितने का रिचार्ज करना पड़ेगा। तो सबसे ऊपर हम क्लिक करते हैं, उसके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 199 रुपये का रिचार्ज है, यानी कि 199 का। यदि आप 199 रुपये को रिचार्ज कराते हैं इस पर आपको 28 दिन की वैलिडिटी के साथ मिलेगा। टोटल जो डाटा मिलेगा 42 GB डाटा मिलेगा जिसमें आपको पर डे 1.5 GB डाटा मिलेगा। इसके साथ आपको अनलिमिटेड कॉल है, किसी भी नंबर पर आप अनलिमिटेड कॉल बात कर सकते हैं। इसके साथ में आपको 100 SMS पर डे मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जो दूसरा प्लान है ये है 399 का, इसमें हम क्लिक करते हैं तो इस पर भी हमें 1.5 GB डाटा मिलेगा पर डे और जिसकी जो वैलिडिटी होगी 84 दिन होगी। इस पर भी अनलिमिटेड कॉल मिलेगा और इसके साथ में आपको 100 SMS पर डे मिलेगा। जो दूसरा प्लान है वो 555 रुपये का है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो इस पर भी आपको 1.5 GB रोज डाटा मिलेगा। इसके साथ में आपको अनलिमिटेड कॉल है, किसी भी नंबर पे अनलिमिटेड को बात कर सकते हैं और इसके साथ में आपको 100 SMS पर डे दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप 1 GB पर डे डाटा के लिए आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे 1 GB डे पे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 GB पर डे डाटा के लिए एक ही प्लान है जो कि है 149 का है, यानी कि 149 रुपये का। यदि आप 149 रुपये का रिचार्ज कराते हैं तो इस पर आपको पर डे 1 GB डाटा मिलेगा जिसकी वैलिडिटी होगी 24 दिन और इसके साथ में आपको अनलिमिटेड कॉल दिया जाएगा किसी भी नंबर पर और साथ में आपको 100 SMS पर डे मिलेगा। फ्रेंड्स, जो दूसरा है ये है 2 GB डाटा का, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, करेंगे तो आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा। और फ्रेंड्स, इसी तरह से आप देख सकते हैं कि आप 249 रुपये का रिचार्ज करेंगे तो इस पर आपको 56 GB डाटा मिलेगा जो कि पर डे 2 GB आपको डाटा दिया जाएगा। इसके साथ आपको अनलिमिटेड कॉल मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जो दूसरा है ये है 424 रुपये का, यदि आप 424 रुपये का रिचार्ज कराते हैं तो इस पर भी आपको 2 GB पर डे डाटा मिलेगा और इसकी जो वैलिडिटी होगी 56 दिन होगी। इधर से आप बहुत सारे प्लान मिल जाएगा, यहाँ पर दे सकते हैं तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप देखना चाहें तो आप 3 GB पर डे डाटा के लिए देखना चाहें तो इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से देख सकते हैं कितने कितने के रिचार्ज पर आपको पर डे 3 GB डाटा मिलेगा और इसके साथ में क्या मिलेगा। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आपका जो डेली का लिमिट है डाटा का उतना अगर खत्म हो जाता है तो इसके लिए आपको एडिशनल कितने रुपए का रिचार्ज करना पड़ेगा, इसके लिए आप यहाँ पे आएंगे जहाँ पे लिखा हुआ है वर्क फ्रॉम होम पैक, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि आप 100 अकाउंट पे का रिचार्ज करते हैं तो इस पर आपको 30 GB डाटा मिलेगा जिसकी वैलिडिटी होगी 30 दिन और 201 रुपये का रिचार्ज करेंगे इस पर आपको 4 GB डाटा मिलेगा जिसकी वैलिडिटी होगी 30 दिन। फ्रेंड्स, इसी तरह से आप देख सकते हैं 251 रुपये का भी रिचार्ज है, इस पर आपको 50 GB डाटा मिलेगा 30 दिन की वैलिडिटी के साथ में। तो फ्रेंड्स, यदि आपके मन में कोई सवाल रहता है और क्यूरी रहती है तो आप इस वीडियो को कमेंट्स में कमेंट कर बता सकते हैं। तो मिलते हैं कि नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।